आई मीन शो स्टॉपिंग तो करती आ रही हूँ, बट आई थिंक आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉक फॉर रोहित अगेन आफ्टर सो लॉन्ग. या आफ्टर सो लॉन्ग, बहुत टाइम, मतलब आई थिंक इट्स बीन लाइक 7-8 years, 6-7 years आई लास्ट वॉक फॉर हिम एंड आई एम वॉकिंग फॉर हिम अगेन. मोर देन दैट, जब रोहित ने मुझे फोन किया एंड वी ऑल नो रोहित बात इज कहता बेबी मेरा शो है, विल यू वॉक फॉर मी, एंड देन आई थिंक इट वॉज एन इमीडिएट थिंग, यार नो प्रॉब्लम. थोड़े बहुत निक्स एंड नैक्स होते हैं, इसलिए तो फिटिंग्स की जाती है ताकि यू नो शो के दिन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बट मोर और लेस ही नोज व्हाट माय साइज इज एंड यू नो इट्स ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ निक्स नैक्स है, बट अदरवाइज दी आउटफिट इज परफेक्ट. वेल, जब मैं कलेक्शन डिजाइन कर रहा था तो ये बहुत ऑल ऑफ असर हुआ, मैं 6 महीने से कलेक्शन प्रिपेयर कर रहा हूँ ये, हालांकि यू नो मैंने मेरे को बहुत सारे चेहरे आ रहे थे दिमाग में इस कलेक्शन को सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रांगली कैरी ऑफ कर सकता है, तो 4-5 नाम आए, तो मेरे को डेजी का नाम पॉप है, उनका ये कलेक्शन के लिए परफेक्ट है. तो मैंने उसी दिन डिसाइड करते कि मैं डेजी को अप्रोच करूँगा, मैं पर यू नो बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सर्स एंड ऑल हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज आप जानते हैं पैंडेमिक मार्केट कैसा हो गया है, और हालांकि क्या कहते हैं कि मेरे को सारे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया इस शो में, तो मैंने डेजी को डरते डरते मैंने मैसेज किया कि डेजी आई रियली वॉन्ट इट, बिकॉज ये कलेक्शन के लिए इनसे अच्छा आइडल बॉडी फेस नहीं हो सकता था. सो मैंने कहा डेजी प्लीज डू इट, एंड उन्होंने बहुत हैप्पीली कहा कि डेफिनेटली, हालांकि जवाब बहुत कम देती है बट थोड़ी लेजी है व्हाट्सएप में, बस ने कहा यस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू हर मैनेजर. नो, आई एम नॉट लेजी ऑन व्हाट्सएप, आई एम नॉट मोर ऑफ अ मैसेजिंग पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ कॉल पर्सन, क्योंकि कॉल्स में एटलीस्ट इमोशंस पता चलते हैं, यू नो बात करते टाइम, मैसेजिंग में इमोशंस कतई ना पता चलते. तो पर मेरे को एक मैं बहुत बात बोलूँगा, मैं जैसे जैसे रोज देरी मेरी बात नहीं होती है, पर आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस टू मी, यू आर ट्रू फ्रेंड एंड ट्रू सिस्टर. हालांकि मैं उनको कुछ दिन पहले सनी लियोनी के एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च में मिला था, तो मैंने उनको देखा, अरे मैं दुनिया ढूंढ रहा हूँ हीरा तो यस खड़ा हुआ है, इसी को पकड़ूंगा मैं. फैशन बहुत ही इंडिविजुअल बेस्ड होती है. आई पर्सनली फील के आई मीन दिस इज नॉट, आई एम नॉट हियर टारगेटिंग एनी वन, बट फैशन क्रिटिक्स की अपनी सोच होती है, लोगों की अपनी सोच होती है. मुझे नहीं लगता कि फैशन क्रिटिक्स को प्लीज करने के लिए आपको एक सर्टन तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए. यू ड्रेस द वे यू वॉन्ट टू, एंड इफ पीपल लाइक इट ग्रेट, इफ पीपल डोंट लाइक इट इज देयर प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट.